राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री आपने देख ली है। किम जोंग उन एयरपोर्ट पर पहुंचकर पुतिन को सरप्राइज देते नजर आए। देख लीजिए ये चाल, किस तरीके से रेड कार्पेट पे वॉक करते हुए किम जोंग उन व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। उधर से चेहरे पर मुस्कान लिए व्लादिमीर पुतिन एरोप्लेन से उतर रहे हैं। एक एक सीढ़ी को लांघते हुए पुतिन तेजी के साथ किम जोंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये दो नेता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे हड़कंप पूरी दुनिया में मच गया, क्योंकि कुछ समय पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि व्लादिमीर पुतिन, जो रूस से बाहर भी नहीं निकल रहे, वो चीन के दौरे के साथ ही नॉर्थ कोरिया का भी दौरा कर लेंगे। उन्होंने ये दौरा किया। किम जोंग उन ने पुतिन के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया, गले मिलकर स्वागत किया और बैठ गए उस गाड़ी में जिस गाड़ी में पुतिन भी विराजमान थे। पुतिन के साथ गाड़ी में बैठकर पूरे काफिले के साथ उत्तर कोरिया की सड़कों पर किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन बढ़ते चले जा रहे थे। काफिला देख लीजिए, भव्यता का अंदाजा हो जाएगा। उत्तर कोरिया में पुतिन के स्वागत में किस तरीके से बाहें बिछाकर किम जोंग उन इंतजार कर रहे थे, तस्वीर बता रही है। उत्तर कोरिया की सड़कों पर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर लगी थी। तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन के स्वागत में पूरा उत्तर कोरिया 24 साल के इंतजार को खत्म करते हुए कितना उत्साहित था। और सिर्फ उत्तर कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया से ज्यादा उसके तानाशाह किम जोंग की खुशी साफ नजर आ रही थी। और हड़कंप अमेरिका में मच रहा है, क्योंकि अमेरिका इन तस्वीरों को कतई पसंद नहीं करेगा और ना ही वो इन तस्वीरों को कभी देखना चाहता था। लेकिन पुतिन ने इसे हकीकत कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ बड़ी मुलाकात करके एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।